दोस्तों, आज मैं बहराइच की सड़कों पर निकल पड़ा और मैंने बहुत सुना था रमेश चाट भंडार के यहाँ बर्गर बहुत टेस्टी बनता है और मेरी तलाश आज आखिरकार पूरी हो ही गई। देखिए, टिक्की तलने का तरीका हो चाहे बर्गर काटने का तरीका हो, और इतने बर्गर मैंने खाए लेकिन इन भैया ने क्या किया कि बर्गर को एकदम सिंपली तरीके से, एकदम आसान तरीके से, और जो उसमें केवल टेस्ट को बढ़ाने वाली चीज़ें थी, जो हेल्दी चीज़ें थी, उन्होंने वो डाला। और यकीन मानिए, ये मन किया कि 20 से 25 बर्गर मैं पैक करा लूँ और ले जा के दोस्तों में बंटवा दूँ। तो देखिए, उन्होंने एकदम हल्के हाथ से हल्का ऑयल में पहले ब्रेड को सेंक लिया, उसके बाद देखते रहिए इन्होंने किया क्या, क्या चीज़ डाला कि एकदम बर्गर सिंपल दिखने में था लेकिन बहुत टेस्टी था। तो ये शॉप आपको मिल जाएगी डिगिया चौराहा के पास, एक मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल सामने रमेश चाट भंडार का बोर्ड देखिए लगा हुआ है, और यहीं पे आपकी बर्गर खाने की तलाश पूरी हो जाएगी। ये मुस्कुराते हुए चेहरे देख सकते हैं आप, चाउमीन बर्गर खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, टिक्की चाट आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन इनका बर्गर मैं भूलने वाला नहीं हूँ। बर्गर बनाने का तरीका देख सकते हैं, ये किसी एक भैया ने आकर ऑर्डर कर दिया 22 बर्गर एक साथ, और बर्गर ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देख सकते हैं इनका बनाने का तरीका, ये 22 बर्गर एक साथ बन रहे हैं, और अब इन्होंने पॉलिथीन निकालनी शुरू की है। एक एक करके इन्होंने मसाले, टमाटर जो कि आज 200 रुपये किलो है टमाटर, लेकिन इसके बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में बर्गर का वो चीज़ जो कि इनके द्वारा खुद का बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और टिक्की डालना, टिक्की तो बता रहे इतनी क्रंची कि आपसे हम क्या बताएं। इन्होंने अपनी टिक्की में इतनी बेहतरीन चीज़ डाली थी कि टिक्की 4-6 घटक जाने का मन कर रहा था। इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बर्गर को सजाया, उसके बाद पैकिंग देखिए, पैकिंग एकदम टपाटप टपाटप, 22 बर्गर तो यूं बन गए कि मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों, अगर बर्गर खाना चाहते हो, ये बर्गर बेचने में तो 25 का था लेकिन खाने में 60 का लगा मुझे। ब्लैक सीसा और एसी में अगर आप यही बर्गर बैठ के खाते तो 60 का मिल जाता, लेकिन इन चाट वाले भैया के पास आपको सिर्फ 25 रुपए का। ये देख सकते हैं कितना लजीज देखने में लग रहा है, मुंह में बिल्कुल पानी आ जा रहा है। तरीका देखिए बनाने का कितना सिंपल है, लेकिन बर्गर क्या बना था, मजा आ गया। मैंने 2-4 बर्गर अपने जो दोस्त लाट अपकाते रहते हैं उनके लिए भी पैक करवा के मैं लाया, और वो बहुत खुश हुए, उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये ठेलिया पर का है, रोड के किनारे का बर्गर है। और आप लोग अगर बहराइच में हैं या बहराइच घूमने आ रहे हैं तो बर्गर जरूर टेस्ट करिएगा इनका। हमें चाउमीन बनाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डाला, कोई केमिकल का यूज नहीं किया, और चाउमीन भी इनकी एक नंबर की लगी हमको, चाउमीन भी बहुत टेस्टी लगी। तो देख सकते हैं भीड़, ये छोटू मेरा भाई, ये बर्गर का शौकीन, डेली बर्गर ये लड़का खाता है, और यहाँ पे आके इसने इतने बर्गर खाए कि भैया ने कहा बस कर, अब रहने दे भाई। तो ये देख सकते हैं चाउमीन बनाने का तरीका, बिल्कुल हल्की चटनी में इन्होंने चाउमीन को इस तरीके से तैयार किया, और वो फटकने का तरीका तो आप देखते रह जाएंगे। कढ़ाई को 10 बार पटका, कढ़ाई बोली बस भैया मैं टूट जाऊंगी, अगली बार तुझे बाजू वाले के पास से लेके आना पड़ेगा उधार बनाने के लिए। चाउमीन यकीन मानिए बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया था, कोई कमी नहीं लगी हमें। बर्गर हमने टेस्ट किया, इनका चाउमीन टेस्ट किया, टिक्की भी खाई, सब कुछ बेहतरीन लगा। तो आप लोग एक बार जरूर आकर यहाँ पे बर्गर जरूर टेस्ट करें। बर्गर खाने के बाद आप एकदम नहीं कहेंगे कि फालतू सी दुकान पे भेज दिया। ये देखो आप, फटकने का तरीका क्या है, मुझे तो ये फटकने का तरीका बड़ा बढ़िया लगा चाउमीन का, पूरी कढ़ाई को इन्होंने जो है पलट दिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप बहराइच में हैं या बहराइच घूमने आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ रमेश चाट भंडार के पास। और